आपका घर कितना पास है ना मेरे घर के। हाँ। तो अभी हम अम्मी के अम्मी के घर अभी आए हैं, इसे भी ज्यादा प्यारा बनाएंगे। लेकिन पता है अम्मी, अभी तो आप जा रही हैं, फिर आप जल्दी आएंगी ना, भूल जाऊंगी, फिर पूछूंगी क्या लेना है। अम्मी एक तो मुझे वो अल्लाह का घर लेना है, मक्का लेना है। हाँ। मक्का टावर मैं लेके आई थी, जो अल्लाह का घर है। हाँ। वो लेना है मुझे। अभी जो है ना, मैंने देखा नहीं कहाँ रखा है तुम्हें। अम्मी मक्का टावर इधर पड़ा हुआ है अलमारी में, आपको दिखाऊंगी। और साथ में अम्मी केक लाई है। और अम्मी पता है कल मैसेज पता नीचे क्या आ रहे थे कमेंट, नहीं कुछ लोग कहते सितारा की अम्मी जा रही है, कुछ लोग कहते हैं सितारा की अम्मी नहीं जा रही, अगर जा रही होती तो सितारा ऐसी तैयारियां ना कर रही होती। चलो अम्मी से बातें करते करते अभी अपनी चाय पी लूं, वरना ये ठंडी हो जाएगी। क्या हुआ, क्यों ये क्यों वापस आ गई है? क्यों आप 10 दिन की छुट्टी है इसकी? मैंने कहा मैं पता नहीं ये क्यों आ गई, टाइम पे तो गई थी, फिर छुट्टियां किस चीज की आ गई है? 10 दिन की इसकी छुट्टी आ गई। आयत को फिर ऐसे उठा रो रो के गई है, फिर नहीं उठाते, तो चीज लेने के लिए गई थी। हाँ अम्मी 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 आज आप जा रही थी ना, इस वजह से ये वापस आ गई। अम्मी देखी, इसने तैयारी अपनी बांध ली है। हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जा रही हो आयत? पीछे पहन रही आयत वजनी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो आज अम्मी जा रही है, अभी छोड़ने में नहीं जा रही, अम्मी को मिलवाने जा रही हूँ कुलसुम खाला से, और उनकी बहू और बेटा भी है जिनकी शादी पे हम गांव गए थे, वो भी अभी आए हुए हैं कुलसुम खाला। मेरी बेटी की परत है आप सबको, मैं कह के जा रही हूँ कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। पहले भी रखते थे, अभी भी रखते, बहुत ख्याल रखते हैं सब। एक एक चीज के लिए मेरे लिए परेशान होती है, अभी आपका सुन के सब इतना परेशान हो गए। तो अम्मी इंशाल्लाह जल्दी आएगी। मैं आपको अपनी बेटी अमानत देकर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, फिर आ जाएंगे कुछ दिनों के लिए, फिर हाँ। मैं आ जाऊंगी। हाँ। आपको सलामत रखेगा, उधर जाऊंगी मक्का में सबके लिए दुआएं करूंगी। हाँ। बहुत दुआएं करूंगी सबके लिए, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए। अम्मी वापस आके पैकिंग भी तो करनी है। हाँ हाँ अम्मी इनको जरूर मिलके जाएगा, ये बहुत अच्छी, जिनका ये घर है, जिनके घर में हम रह रहे हैं, ये नीचे बहुत अच्छे तो लोग हैं। मैं इनको मिलके जाऊंगी। हाँ अम्मी आ जाओ जल्दी आओ, लड़की बहुत तंग करती, जल्दी चलो। अम्मा जा रही है चलो बैठो। और यहाँ पे मैं बाहर वाला गार्डन देख रही थी, अभी गर्मी आ रही है ना, जैसे जैसे इनको पानी लगता है ये और हरा भरा और प्यारा होता जा रहा है। और खासतौर पर ये वाला पौधा मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब हमारा घर होगा तो उसमें ये वाला मैं जरूर लगवाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्या नाम है इसका, पूछेंगे। चलो बस चुप हो, इतनी तंग कर रही थी, पानी चाहिए। और फिर सबसे पहले अम्मी को मिलवाया मैंने अम्मी के सगे जो चाचू हैं उनसे, और हमारे चाचू जो है ना बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ते हैं, हर 4-5-6 दिन बाद इनका एक कुरान पाक का ख़त्म होता है। तो वही अम्मी कह रही थी सितारा के लिए बहुत दुआ करना कि अल्लाह उसको घर दे, तो चाचू बोल रहे थे सितारा को मैं हमेशा बहुत ज़्यादा दुआएं देता हूं। कल हम उसका बोल रहे थे, ये देखो ये कितनी चालाक हो गई, ये मेरा व्लॉग बना रही है, जा रही हूं इसलिए। व्लॉग बना लो, बहुत सारी वीडियोस बना के रख लो, जा रही हूं तो आपके लिए दुआएं मांगूंगी। ये मेरी बेटी पढ़ लेकर बड़ी अफसर बनेगी, सर बिटिया बनेगी हमारी। देखो मेरा, देखो तुझे व्लॉग कैसे बना रही है से। जम भी जो है ना, परफ्यूम लगाना याद आ गया। अम्मी जूते अच्छे लग रहे हैं, अम्मी कह रही है आयत के जूते प्यारे लग रहे हैं। अम्मी कह रही है ये डॉगी बेबी है, वो बैठा हुआ छोटी डॉग बेबी डॉग। और डॉगी आ गया, वो देखो और डॉगी आ गया। बर्ड्स चाहिए, बर्ड्स उड़ रहे हैं, आपके हाथ नहीं लगे। डर रही है, डर के अभी साइड से जा रही है अम्मी। और ये देखो कहाँ पर आ गए। अस्सलाम वालेकुम, घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं वो अम्मी ऑफिस है, मेरी तबीयत खराब थी, मैं ऑफिस नहीं गया। अच्छा, ये गांव से जैसे सामान लेके सब इधर नीचे रख दी। तो घर पे हम जैसे ही पहुंचे हैं, वकार ने हमारे लिए पठानों वाली चाय मंगवा ली, कड़क चाय, मजे की। सोच इंतजार करते करते आखिर अम्मी यहाँ से जा रही हैं, आप एंड टाइम पे शुक्र है पहुँचे। तो मैंने अपनी तैयारी छोड़ दी, पहले मैंने बोला जाऊँ दूल्हा दुल्हन को देख के बाद।
पहली दफा कराची में तो घर जो है सब बड़े छोटे लग रहे हैं, सारे घर छोटे छोटे लग रहे हैं। ये मकान हो गए, इंतजार करते गए। ठीक हो लिशबा? अम्मी ठीक थी, अब्बू सब ठीक थे। मैंने सुना है जैसे कलिशबा घर पे पहुंचे कहते कराची के मकान बहुत छोटे। कलिशबा को मैं समझा रही थी कि जब मेरी शादी होती यहाँ आई थी ना, इससे भी छोटा मकान था। असल में जो गाँव से आता ना, फिर उसको घर देखेंगे। आशी भाई अभी हमारे पास पहुँच गई, अभी हमारी बेटियों की तरह हमारे साथ रहे। हम इसको लेके आए हैं, आप परेशान नहीं होइएगा, आपकी बेटी सही सलामत हमारे पास पहुँच गई है। यहाँ पे बैठ के हमने कुछ देर बातें की। अलिशबा असल में शुरू से गाँव में रही है तो कराची के घर उसको बहुत छोटे लगते हैं, बस वही बातें भी करते रहे, उसको समझा रहे थे और फिर अपनी घर की तरफ वापस अपने घर जाने लगे। और ये गांव से मंगवाया था आटा हमने अपने लिए, जो कि आमिर भाई लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका कि आटा लेकर आए गांव से इतना दूर से। अम्मी ये वाली डिग्गी बिल्कुल आयत के साइज की, आराम से इसमें बैठी हुई है, सही आयत के साइज की डिग्गी। अच्छा इसमें दो बच्चे ऐसे बैठ सकते हैं बैठने के लिए। मुस्तफा में बैठा रहता है पीछे। आ गई आगे मम्मा की जान, मेरी शहजादी हो गई। म्यूजियम गई थी ना आज, तो बड़ा बैग भी नहीं है, छोटा सा है। बैठ के दिखा। ये क्या है? अच्छा कीचन। अम्मी मेरे लिए लेकर आई है, ये देखो मम्मा म्यूजियम से लेकर आई, ये तो पैसों का बना हुआ है। चलो अब भाई जान की बारी, इसको लेने के लिए चलते हैं स्कूल। अम्मी मुस्तफा के स्कूल के आगे हरियाली देखे कितना ज्यादा। ये लिखा हुआ है बॉय विंग, बॉयज विंग। आइसक्रीम खाते हुए आ रहे शहजादा मम्मा का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मम्मा का बच्चा? आपको पता है मैं जा रही है? हाँ रोकोगे तो नहीं अम्मा को? हाँ रोकूंगा, कह रहे रोकूंगा। तैयबा कह रही नहीं रोकूंगी क्योंकि अम्मा तो वापस आ जाएगी। अम्मा हमारे लिए जा रही है फिर वापस आ जाएगी। ये क्या बोल रही है? अच्छा डॉक्टर बनना है, ग्लासेस चाहिए। अच्छा ओमी ये आयत की न्यू ग्लासेस हैं, बल्कि आयत की नहीं है, ये तैयबा की हैं, तैयबा से लेके बैठी हुई है। इस पीलो जितना सोने का कॉइन था, इस पीलो के जितना म्यूजियम में सोने का। और ये वाला ये कहाँ से लिया? ये फ्री में ही तो म्यूजियम में वापसी पे जो इनको गिफ्ट मिला है, इसको अगर गौर से देखें तो ये सारे पैसे हैं जो कि ऐसे टुकड़े टुकड़े से हुए हुए हैं। ये मैंने नोट नहीं किया, मुझे तैयबा ने कहा मम्मा इनको गौर से देखें तो ये सारे पैसे हैं। बच्चों को जैसे हम स्कूल से वापस लेकर आए तो फिर थोड़ा बहुत सामान लेना था। असल में अम्मी यहाँ से सीधा जा रही हैं सऊदीया मेरी चाची के घर पे, तो उनके लिए कोई थोड़ा बहुत लेना था, तो बस थक हार के थोड़ी देर आए रेस्ट किया। और आते ही फिर मैंने सालन बनाया फ्राई, मैंने करेले पहले कर लिए थे, चिकन का मसाला बनाया और सालन तैयार हो गया। इसका टाइगर कहाँ गिरा है? फिर से सीढ़ियों से नीचे फेंका होगा इसने। खोल लिया? ये कुछ नहीं है, लेकिन ये वो नोट्स हैं जो खराब हो जाते हैं, बच्चे फाड़ देते हैं, लोग फोल्ड करके रख देते हैं, धो देते हैं, काफी वक्त बाद निकालते हैं, चलने लायक नहीं होते, तो उनको जो है ऐसे कर दिया। गवर्नर के पास ऐसे बहुत से नोट जमा थे, तो उन लोगों ने एक आइडिया लगाया और ऐसे एक बॉक्स बना के हर एक बच्चे को बांट दिए। तो इसमें जो तैयबा बोल रही थी कि कुछ निकलेगा, तो इसमें सारा सिर्फ यही चूरा बना हुआ था इसका पैसों का। ट्रिपर जो है ना अम्मी की चल रही है तैयारियाँ। हो गया अम्मी बैग पैक? हाँ ये वाला एक, ये वाला सूट। तो ये कुछ अम्मी ने वहाँ के लिए सामान लिया जो आज हम बाजार गए थे, कुछ चाची को देना है, कपड़े पैक कर लें, बाबर कब से फोन कर उसकी शॉप की आज ओपनिंग है। तो अभी जो है ना अम्मी नहाने के लिए चली गई हैं और मैं अपने सबके कपड़े निकाल रही थी बच्चों के, अपने सबके निकाल के पूरा बैठ। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए ये निकाला कि ये वाला पहन लूं क्योंकि आज बाबर की शॉप की ओपनिंग है, वहाँ पे भी पहनना पड़ेगा और उसके बाद फिर एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है। ऐसे मुझे गर्मी करेगा, अभी गर्मियां भी शुरू हो गई, तो ये मैंने लॉन का निकाल लिया, ये एस कॉर्नर का। और इसके अलावा मैंने आयत के लिए स्कर्ट वाला निकाला था कि स्कर्ट शर्ट पहना दूँ, प्यारी लग रही थी तो इसको इस्त्री कर लिया। अब ये वाली अपना सूट मैंने इस्त्री करके यहाँ पे रख दिया। चलो जल्दी सूट आपको नहला दूँ। तो अभी मैं भी जाती हूँ, जाकर तैयार हो जाती हूँ। अम्मी भी अभी फ्रेश हो गई हैं। और इसके अलावा अभी जैसे हम शॉप पे जाएंगे, शॉप पे जाने के बाद अम्मी का ग्लासेस भी उठाना है। एक दिन पहले गए थे ना अम्मी का ग्लासेस लेकर आए थे, आज का उन्होंने टाइम दिया था, तो जाते जाते अम्मी का जो चश्मा है चलो वो भी उठा लेंगे। और आज हमारा पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा, बाहर घूमते घूमते फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। और हाँ अम्मी चाचू की मेडिसिन भी लेनी है ना, चाचू ने तस्वीर बना के भेजी है दवाया की, दवाया भी लाके मम्मी को बोला कि लेकर आएगा, तो यहाँ से दवाया भी लेने के लिए निकलना है। तो अच्छा खासा टाइम हमारा बाहर निकल जाएगा, तो इससे पहले हम टाइम से यहाँ से निकल जाते हैं, जो भी बाहर के काम है वो बाहर कर लेंगे और आगे फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे।
कौन भाई जान ट्रैवल में? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हो, तबीयत कैसी है? ठीक है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बहू और बेटे आ गए, खैर से आ गए। तो अम्मी जो है ना हमारी एयरपोर्ट पर अकेली हैं, वरना अम्मी आप पहली दफ़ा अकेले सफ़र कर रही थी जब यहाँ से गई थी। हाँ, जब यहाँ से अम्मी गई थी तब अकेली गई थी, और आज मेरे हस्बैंड सब समझा रहे हैं, पासपोर्ट टिकट सब कुछ अम्मी अपने हाथ में रखना है, बार बार जो चेक करेंगे ना वो अपने हाथ में ही रखेंगे। और हमारी तैयबा भी बहुत प्यारी लग रही है, अच्छे से तैयार होकर आई। चलिए या तो रास्ते में बारिश होगी, भी देखो बादल बिल्कुल भी नहीं थे, कितने बादल बने हुए हैं, आ रही है बूंदे, बारिश शुरू हो गई लगता है। अम्मी जाते जाते जो है ना बारिश हो, आपके जाते जाते बारिश हो रही है। अम्मी ऐसी कोई सॉन्ग भी है ना कि थोड़ी देर और बरस जाओगे, कुछ देर तो रुक जाओ, इतना बरस के ये जा ना सके। हाँ, कुछ देर तो रुक जाओ बरसात। अम्मी बरसात की ऐसे बहुत सारे रोकने वाले गाने हैं। क्या चुड़ैल? क्या बोल रही है? चुड़ैल बोल रही है। ये तो बाहर माशाल्लाह से भीड़ भी अभी से लगना शुरू हो गई है। अच्छा, वर्धा का, ये वर्धा की तरफ से आया है क्रिएटिव लाइफ सैम रनोशीन, थैंक यू सो मच वर्धा खान का, नोशीन का, सैम का, थैंक यू सो मच, इन्होंने ये मेरे लिए भिजवाया और मुझे मैसेज दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। चाचू मुबारक हो, बहुत बहुत खैर मुबारक। और ये दुकान वाला कहाँ चला गया? लिखा हुआ है शवरमे पे लगा हुआ है। तो ये देखे माशाल्लाह से बाबर्स शवरमा एंड जूस कॉर्नर, बहुत बहुत दिल को खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह दुकान चाची छोटी सी है, प्यारी है ना, है ना? हाँ। तो माशाल्लाह यहाँ पर तो मेला लगा हुआ है, सबके सब यहाँ पर हमें मिलने के लिए भी आए हैं, और सबसे मिल के बहुत खुशी हुई है। और एकदम से उस्मान भाई भी हमें दिख गए। उस्मान भाई मोबाइल, खैर मुबारक। मोबाइल का स्टोर भी लगा था। हाँ, यहाँ पर पास मोबाइल की शॉपिंग। कदीर भाई कैसे हैं? ठीक है, हाँ बिल्कुल। यही है ना शहबाज भाई साथ में लगे हैं, और अदा भाई आप भी बहुत बच्चे, हम सब सीख रहे हैं। अम्मी कैसी लग रही है दुकान? अच्छी लग रही है। अच्छी है ना, चलो अल्लाह जो है ना इसमें बहुत बरकत डाले, दिल खुश हो गया ना दुकान को देख के, लगता है आप जो है ना हमें उठना पड़ेगा, सबकी बारी आ गई, आज शवरमा नहीं बचेगा, इतना आज बाबर ने बेचा, ये शवरमा रश इतना ज्यादा। अच्छा, ये शाम पहले हम शाम को देखा। अच्छा, भाई सबको आज फ्री में? अच्छा, ये पहले जब आए कितना भरा हुआ था, पतला हो गया। ये सिर्फ मुझे दो क्यों दिए, वहाँ तो ज्यादा लोग हैं। दो ले, ये पकड़ ले। हाँ अम्मी, दोनों फिर साथ में शेयर कीजिएगा ना। तो बच्चा पार्टी दोनों बाकी साइड पे बैठे हैं। बताओ बाबर का शवरमा कैसा है? मुस्तफा आप बताओ। सब जो ना खाला आपको बोल रहे हैं अम्मी की दोस्त, अम्मी के दोस्त के नाम से आपका नाम मशहूर हो गया में होते हैं, थोड़ा चेंज है, ये चेंज है, टेस्ट अच्छा है। चलो मैं बाबर को बनाऊंगी, थोड़ा और स्पाइसी बना, स्पाइसी वालों के लिए अलग मसाले वाला होता है ना तेज। तो यहाँ पर आते ही इन्होंने हमें मेन्यू पकड़ा दिया, समझा दिया कि आज तो फ्री का मिल रहा है, डेली फ्री का नहीं मिलेगा। ये 50 हॉट देसी, 250 बाबर ओरिजिनल भी है। अभी बाबर ओरिजिनल कैसा शवरमा है? ये तो बाबर को पता। तो ये एड्रेस है, जिसको भी आना है तो जरूर आइएगा। हम अच्छा, ये मेरे लिए चलो, अब टेस्टी लग रहा है। और हर कोई जा रही है, देखो यहाँ पे रश देखो कितना लगा हुआ है, ये फ्री में मिल रहा है ना। कैसे है मम्मा? अच्छा है ना, बहुत अच्छा। हस्बैंड ने बहुत मेहनत की।
दुबई वाला टेस्ट, दुबई वाला है ना सच में, इसका ना डिफरेंट है शवरमा, वही तो मैं बोल रही हूँ इसका डिफरेंट है। मैंने खा लिया, मुझे ना एक और भी चाहिए। यहाँ पे रश देखें लगना शुरू हो गया है। बाबर भाई बहुत मजे का है, ऐसे लग रहे अरबिक शवरमा हम खा रहे हैं, बहुत मजे का है, बहुत अच्छा है। अम्मी दो खा लिया, भी कह रहे हैं और भी खाना है। हाँ तो लाइट है ना, हाँ ना सच में, वैसे अलग है कराची, स्पाइसी नहीं मतलब वो है चटपटा है, इस वजह से तो ये तीसरा भी खाने वाले। मैंने भी एक और ले लिया, अभी भी लाइन से अभी भी बहुत है। मैं क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती मेरे पास। तो ये देखो ये कितना पतला हो गया है। इतना मोटा था तब ये। अच्छा ये 15 किलो था, अब तकरीबन ये 5 किलो बचा होगा। अम्मी बस चल रही है अपना एक शवरमा ले, तो खड़ा हुआ बच्चों की तरह के, एक मुझे और चाहिए, दो खा चुका है, तीसरा खा के जाएगा। अम्मी चाची को सलाम दीजिएगा, सलाम देना। चलो बैठो, चलो आ जाओ। अम्मी अभी आप चश्मा लगाएं और देखें अभी आपकी नजर कहाँ दूर दूर तक जाती है। नदिया से बैठ के अभी मुझे यहाँ तक देखती रहिएगा। हाँ बहुत अच्छी है, दूर की बहुत अच्छी है और नजदीक इतनी अच्छी सुकून मिल रहा है आप। हाँ अच्छा ये जब ये सब नजर आ रहा है। आप मुझे कितना याद करें, मैं बहुत याद हाँ? मैं बहुत मिस करूंगी मैं अपनी बेटी को। जल्दी आ जाओ अम्मी, आप ना अपने दामाद को बोल के जाए मेरा ख्याल रखेगा। वो ख्याल रखता है, मुझे पता है, मेरे पूरे मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है। अम्मी मैंने अभी बाहर में चाय बना रही थी, मैंने इसे कहा कि मेरा ख्याल रखो, ये कहते हैं कि ना मैं रखूंगा, तुम रखना मेरा ख्याल, आप इसको बोल के जाए मेरा ख्याल रखेगा। नहीं वो तुम्हें अभी आप नहीं होंगी ना तब तक, जब आप होती हैं इसका ख्याल रखना, ठीक है? जब अम्मी होती फिर तो मेरा कोई ख्याल रखे ना रखे फिर किसी की परवाह नहीं, तरह अम्मी साथ होती है ना। साजिद रखेगा वो, उसने बोला है मैं इसका ख्याल रखूंगी, जल्दी आ जाना। अम्मी आपका रूम मैं ऐसे पैक करके बंद करके रख दूंगी, जब आप आएंगी ना तब खोलेंगे, बल्कि इसको सेट करूंगी, सेटिंग इसकी चेंज करना, अगर कोई फरमाइश हो तो बता दो, ठीक है? तो बच्चों का भी घर छोड़ा, सुबह बच्चों का स्कूल है, आयत का तो नहीं है लेकिन तैयबा मुस्तफ़ा का है। और अभी तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं, 12 बजे अभी हम अम्मी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, और चाचू की मेडिसिन लेनी थी तो बस उसके लिए थोड़ी देर के लिए रुक गए थे यहाँ पर। मिल गई मेडिसिन, बस यही थी अम्मी, लिख के दी है चाचू के, कैसे लेनी है पहले वाली। अच्छा सेम वही है अम्मी, ये फिर अपने बैग में रख ले फिर भूल ना जाए। आ जाओ भाई आ जाओ, जिसको चलना है एयरपोर्ट जल्दी। आज सारे अम्मी के साथ जहाज में बैठेंगे, आज सारे चलते हैं अम्मी के साथ चलते हैं। आज ये दो है ना, दो सूट है, एक मेरी सास का है और एक मेरे ससुर का है। अम्मी समझा के दे, चाची चाचू के लिए। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट अम्मी पहुंच गए, यहाँ पे रश चेक करें, रश कितना ज्यादा है अभी। तो अम्मी के पास सिर्फ ये एक ही बैग है, ज्यादा बैग नहीं है, बस एक ही बैग है और साथ में ये हैंड बैग। चलो ठीक है।